किंतु जो शिव जी के भक्त होते हैं वहाँ धनी होते हैं। तो धनी होते हुए भी उनकी सब समय लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इस धन से प्रभु की सेवा करेंगे, तो धन की सार्थकता। अगर धन से प्रभु की सेवा करने की इच्छा ना हो तो वही धन उसका विनाश का कारण हो जाएगा। इसीलिए भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं। और धन आने से किस प्रकार से भक्तों की सेवा किया जाए ये चिंतन करते हैं, कैसे भगवान के भक्तों की सेवा किया जाए। तो धन बहुत, मतलब इसमें 15 दोष गिना गया। हाँ, धन में 15 दोष है। आने में 6 दोष लगता है, जाने में 9 दोष लगता है। हाँ, इसे धन के चक्कर में कभी ना पड़े। कैसे, ये जो नाम है, नाम धन को इकट्ठा करने में जतन करें। नाम धन आप रोज 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते, किंतु 1 लाख नाम आप आराम से कर सकते हैं। 1 लाख नाम बड़े सुंदरता से एक एक शब्द आप कर सकते हैं। अरे सबसे बड़े एक को भी क्षय नहीं इनका, इनका बिल्कुल जैसे आप प्रेम से करेंगे। और आप करते समय अगर आप सहायता मांगे भगवान शिव से, भगवान शिव नाम निष्ठ महाभागवत है, इसमें कोई संदेह नहीं। निरंतर राम नाम जीवा पे लगे हुए हैं। एक एक आसन में बैठते 88,000 बच्चर एक आसन में बैठ के नाम करते हैं। भगवान शिव कम बड़े व्यक्ति नहीं। अगर आप नाम करते समय भगवान शिव का स्मरण करते, अरे ये जो शिव नाम है कृष्ण ने दिया, ये नाम शिव का अलग कोई नाम नहीं है, ये कृष्ण का ही नाम है। कृष्ण का ही ब्रह्मा नाम कृष्ण का ही दिया हुआ है। ब्रह्मा शिव जो नाम है ये कृष्ण का ही नाम है। हाँ, तो ये परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इसको कहा। ये जो पार्वती नाम, राधा रानी का एक नाम पार्वती, हाँ ये सब अपना ही नाम, किंतु इसमें नहीं है उनका जो नाम तो ठीक है, किंतु जो उनका बराबर नहीं है। आप सोचे कि थोड़ा नाम जब एक ही है तो उनके बराबर कर दो, बराबर इससे नहीं है, उनके साथ बराबर नहीं कर सकते। एकता जैसे ब्रह्म संगीत में एक श्लोक आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तत पृथगस्ति हेतु। उससे आप पृथक नहीं कर पाएंगे। क्षीर से तो दही बन जाएगा, कि दही से दूध नहीं बन पाएगा। ज संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात। ज माने ओ प्रभु, संभू तो बन जाएंगे, संभू का कार्य कर लेंगे, शंभू का जो रोल है रोल को कर लेंगे, किंतु शंभू इनका रोल नहीं कर पाएंगे, प्रभु का रोल नहीं कर पाएंगे, गिरिराज गोवर्धन को उठा नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये है ज शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, तो इस प्रकार भगवान शिव महान महान, बहुत महान है, नाम निष्ठ है। और इसी दिन, आज का जो दिन है, भगवान शिव हलाहल जो विष समुद्र से निकला था उसको आज इसी दिन पिए थे। हाँ, इसी दिन विवाह भी हुआ था। बहुत सारी कथा है, प्रभुपाद जी लिखे इसी दिन विवाह भी हुए। इसलिए शैव भक्तजन रात्रि जापन करते हैं, रात में जागते किस लिए, और कुछ समय समय बाद दूध दही घी मधु से उनका अभिषेक भी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आज का दिन कोई अगर संभव है तो व्रत करना चाहिए। व्रत करने से एक हरि भक्त विलास में लिखे है, हरि भक्ति विलास में लिखा है, कोई जो कोई अगर इस व्रत का पालन करे तो उसका कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में लिखे हैं, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यम फाल्गुने वैष्णव रवि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रियते सदा। हरि भक्ति विलास में लिखे हैं, कृष्ण प्रसन्नता के लिए ये व्रत, कृष्ण चतुर्दशी फाल्गुन पूर्णिमा में जो व्रत आता है इस व्रत को करना चाहिए, अवहेला नहीं करना चाहिए।
जैसे बने हैं फल फूल खाकर, और अत्यधिक नाम स्मरण करें, हाँ अधिक समय नाम का सुमिरन करें, इससे प्रेम प्राप्त हो जाए। फिर लिखते हैं परात परतरम नास्ति नारायण परायण, जो नारायण के भक्त होते हैं वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो नारायण प्रभु के जो भक्त हैं वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जो देश करते वैष्णव शिव से जो देश करता है वो नहीं जाते। अरे शिव का क्या है, हाँ शिव को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत लोग ऐसे भी महापुरुष है जो शिव का बहुत कमज़ोर समझते हैं, शिव का नाम मतलब शिव का विशेष आदर नहीं करते, ये बहुत बड़ा अपराध है। जो दिशंति नाते नत्र गमिष्यन्ति, वो वहाँ नहीं जाते। जे दिशंति महेश्वरम, जो महेश्वर से देश करता है हैं, वो वहाँ नहीं जाते। इसीलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, नाम सुमिरन करना चाहिए, अधिक समय नाम करने से अपराध कम होता है, व्यर्थ वार्ता करने से इससे ज़्यादा अपराध होता है, और अधिक समय नाम सुमिरन करने से उसमें नुकसान ही नुकसान है। तो प्रभु के नाम विशेष पर ध्यान देना चाहिए। शिव जी की प्रणाम मंत्र में एक आता है वृंदावनी पते, वृंदा अवनी पते, वृंदावन के रक्षक, वृंदावन के गेट की पार कौन, प्रभु शिव, हाँ उनकी आज्ञा लेकर ही कोई वृंदावन प्रवेश कर। इसलिए कोई वृंदावन में आए तो उसको कम से कम गोपेश्वर महादेव के जाकर दर्शन करना चाहिए वृंदावन में आने के बाद, नहीं तो वृंदावन दर्शन अधूरा हो रह जाते हैं, पूरे नहीं होते। तो वृंदावनी पते जय सोम सोम मौले, जिनकी ललाट पे चंद्रमा है, हाँ और सनक सनातन सनक सनंदन सनातन नारदेय, जिनकी वंदना करते कौन, सनक सनातन सनंदन और नारदादि ऋषिजन जिनकी वंदना करते, जिसका नमन करते। गोपीश्वर, हे गोपीश्वर, हे वृंदावनी पते, हैं गोपीश कृष्ण कृष्ण विलासिक जुगांघ्री पद में, हे गोपीश्वर, हे प्रभु, कृष्ण जुगांघ्री पद में प्रेम प्रजच्छ, कृष्ण प्रेम प्रजच्छ, कृष्ण प्रेम प्रदान करिए जुगांघ्री पद में, राधा माँ श्याम सुंदर के चरण में आप मुझे प्रेम प्रदान करिए। निरुपाधि नमो नमस्ते, हे निरुपाधि आपको मेरा नमन है, नमस्कार है। इस प्रकार से एकमात्र कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति वृद्धि के लिए आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। ये बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, कभी किसे कुछ देने में कंजूसी नहीं करते, हाँ अपना जीवन को दाव में लगा देते हैं। एक बार एक कथा आती है भागवत में 88 अध्याय में, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में, कि प्रभु ऐसे वैपरीत्य कैसे, जो प्रभु के भक्त होते हैं बहुत कांगाल होते हैं, और जो शिव जी के भक्त होते हैं वो बहुत धनी होते हैं, ऐसे दोनों में वैपरीत्य कैसे, जो लक्ष्मीपति है उनके सब अनुजाई कांगाल होते हैं, और जो भिखारी है उनका शिष्य समंत सब चेला जो जो फॉलोअर है सब धनी होते, ऐसे वैपरीत्य कैसे, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे। तो भगवान श्याम सुंदर उत्तर, श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि जो हमारे भक्त होते मैं उसका सब कुछ हर लेते, जैसे हम अनुगृहना में हरिष्य तद धनम सने, उनका धन मेरा मैं सब हर लेता हूँ, हाँ अगर प्रयास भी करे धन प्राप्ति के लिए वो धन वो सब प्रयास उनका व्यर्थ कर देता हूँ। श्रील प्रभुपाद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जब बनारस कहाँ इलाहाबाद में रहे, उनका सारे प्रोजेक्ट सत्यानाश कर दिए, हाँ एक एक प्रोजेक्ट को किसी को कुछ रखा नहीं, जो भी करते उसको शेष, हाँ किसी में सफलता नहीं आई। तो फिर प्रभुपाद जी आखिरी तक टेस्ट किया प्रभु ने, तब जाकर प्रभु कहे हे अभय तुम्हारे कांडारी मैं हूँ, तुम्हारे जो
साथ में हो। हाँ, आज प्रभुपाद जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज सारा विश्व में कृष्ण भावनामृत का वितरण के एकमात्र प्रभु की कृपा से। जब किसी पर प्रभु की कृपा हो जाती है वो बहुत असंभव को संभव कर सकते हैं। बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं। एक आचार्य ने लिखे हैं, तब इच्छा निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तब कृपा बोले आछी निर्भर करिया। हे प्रभु, आपकी कृपा के ऊपर निर्भर है, मेरे बल मेरा निज चेष्टा से आपकी प्राप्ति संभव नहीं है। ये जो और एक बात और अच्छी बात है, देखिए याद आ रहे हैं, रामानुज स्वामी एक आचार्य है, रामानुज स्वामी एक हमारे संचार संप्रदाय में एक आचार्य है रामानुज स्वामी। उन्होंने सर्वपाधि विनिर्मुक्तम जे सर्वधर्मान परित्यज मामेकम मामेकम शरणम व्रज, इस श्लोक की टीका में लिखते हैं, जो जैसे लोग कर्म करते हैं, कर्म करते इसलिए कि प्रभु प्राप्त हो जाए। कर्म जो है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति होती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्म योग के माध्यम से कोई अगर सोचे मैं प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, कभी संभव नहीं, उसकी साधन बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान योग में भी कि मुझे इतना कुछ कर ले इसके साधन से, ज्ञान के बल पर मैं प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। भक्ति के माध्यम से मैं इतना लाख नाम जप कर ले तो मैं प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। तो उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते। उन्होंने ये लिखे कि साधन के बल पर नहीं हो पाएगा उनकी दर्शन, उनकी कृपा के पर निर्भर कर। तो उन्होंने प्रश्न उठाया, ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें उन्होंने लिखे है कि तो कृपा पर भरोसा रखे तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, हाँ जब करने भाई राखो कृपा हो जाए तो चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये भी नहीं हो पाएगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, उनकी कृपा पर निर्भर रखना पड़ेगा। आपका प्रयास जारी रहेगा और उनकी कृपा पर भरोसा रखना पड़ेगा। उन्होंने एक श्लोक कोट किया भागवतम से कि कृपया आशीष संवंदने दृष्ट परिश्रमम कृष्ण कृपया आशीष संवंदने, माँ जसोदा के बंधन में प्रभु तब आए, कब उन दृष्ट परिश्रम, उनका परिश्रम देखा, माँ जसोदा की परिश्रम दर्शन देखा और उनका दृष्ट परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण परिश्रम देखा माँ जसोदा की, तब जाके बंधन में आया। दृष्ट परिश्रमम कृष्ण कृपया आशीष संबंधन, कृपा से बंधन में आए। तो कहने का उद्देश्य है खूब प्रयास करें, खूब नाम स्मरण करें, खूब व्रत आदि अनुष्ठान करें। ये व्रत करने से शरीर में जो राग बुद्धि है ये राग चला जाता है। अगर ये एकादशी व्रत कोई निष्ठा से करे, शिव चतुर्दशी व्रत निष्ठा से करे, तो इस व्रतों का आदि करने से जो शरीर के प्रति जो राग है, देहात्म बुद्धि है, ये खत्म हो जाता है। और कोई कारण नहीं, व्रत आदि करने का उद्देश्य है कि उसमें राग चला जाए। तो प्रभु ने कहा कि मैं इसका सारा संपत्ति हर लेता हूँ, किस लिए, हमारे निकटतम बनाने के लिए। प्रभु उत्तर दे रहे कृष्ण सुखदेव गोस्वामी भाव, सुखदेव गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं जो कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कहे कि जैसे हम अनुगृहामि हरि से तद धनम सने, मैं उसका धन हर लेता हूँ, तो धीरे धीरे से उसका पूरा कंगाल कर देता हूँ, फिर अपने पास बुला लेता हूँ। तो उस समय एक एक उन्होंने सुखदेव गोस्वामी कथा, पुराणों की कथा उन्होंने उद्धृत किया, जे एक असुर था, उनका नाम था ब्रिकासुर। क्या नाम था? ब्रिकासुर। तो ब्रिकासुर ब्रिकासुर उन्होंने ब्रिकासुर एक बार खूब तपस, एक बार नारद मुनि उस रास्ता जा रहे थे, नारद मुनि रास्ता पे जा रहे थे, तो नारद मुनि से पूछने लगे, हे प्रभु, आप तो सारा विश्व में आप विचरण करते रहते हैं, आप एक चीज़ मुझे बताइए, जो तीन प्रभु हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर,
तीनों में से जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा कि तीनों में से जल्दी प्रसन्न होते हैं एकमात्र भगवान शिव। तो ठीक है, इतना जान गया कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका एक नाम है आशुतोष। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चले गए एक एकांत स्थान में। तो उन्होंने यज्ञाग्नि कुंड बनाया, अग्नि कुंड, और वहाँ अपना शरीर का एक एक अंश काट के उसमें आहुति देने लगे। आहुति देखे छठा दिन चला गया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। तो सोचा आखिरी एक ये मौका है, पूरा अपना भीगा हुआ बाल था उसमें कुल्हाड़ी से काटने लगे। तो उस समय शिव जी कुंड से प्रकट हो गए। अरे अरे क्या कर रहे हैं, हम तो जो साधारण सिंपल जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते, आप इतना बड़ा क्यों कदम उठा रहे हैं? अरे अरे रुको रुको रुको, हाथ स्पर्श किया, शिव जी के स्पर्श होते ही उनका शरीर सुंदर शरीर रूप जैसे था वैसे बन गया। तो बोले कि आप वरदान मांगिए। हाँ, भगवान शिव कहे बृकासुर से कि आप वरदान मांगिए। कहे कि वरदान, वरदान तो कहे कि मैं जिस पर हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। तो कहे कि पहले कुछ देने में संकोच कर रहे थे, फिर आखिर में कहे कि चलो आप भक्त है दे दो, क्या है हमारी भक्त है, हाँ दे दिया भस्मासुर। ऐ बृकासुर को क्या दे दिया, जिस पर हाथ रख देंगे सिर पर वो भस्म हो जाएगा। तो कहे कि तो इसको परीक्षा किया जाए। तो बृकासुर के मन में था कि उनके साथ जो पार्वती देवी है, पार्वती माता है, उनको लेना चाहिए। देखिए असुर की बुद्धि कैसे कितना खराब है, हाँ जो देवी है उनको अभी लेना चाह रहे हैं। तो कहे कि ठीक है। तो अभी शिव जी पीछे पीछे दौड़ दौड़ भागने लगे, बहुत तेजी से भागने लगे। फिर बृकासुर भी पीछे भागने लगे। पूरा जगत घूमते 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 उन्होंने वैकुंठ में पहुंच गया भगवान शिव। तो वहाँ नारद कह रहे क्या क्या हो गया क्या हो गया। तो बोले भगवान शिव संकट में पड़ गया, संकट में पड़ गया, तो उसको रक्षा करना है। तो उन्होंने सुंदर एक बटू ब्राह्मण की वेश बनाकर सुंदर शरीर से जैसे चमक रहे, जैसे अग्नि का तेज निकल रहे, ऐसे शरीर बनाकर और बृकासुर की तरफ आने लगे। बृकासुर से कहे अरे अरे शकुनी नंदन, वो बृकासुर किसका पुत्र था, शकुनी के पुत्र था, शकुनी नंदन बृकासुर, शकुनी नंदन है। अरे अरे शकुनी नंदन आप कहाँ जा रहे, इतना थकान बहुत, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अरे अरे नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा उनके पास जाना है, शिव जी के पास। हाँ रो भागने लगे। अरे थोड़ा थोड़ा रुक जा, मैं तो कुछ सलाह दे सकता है कैसे क्या किया जाए, रास्ता में जो सलाह का बड़ा ज़रूरत पड़ता है कभी कभी, हैं बड़ा काम आता है, थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा सा रेस्ट करे, विश्राम करे। तो विश्राम करते ही बैठा है बड़ा अच्छा से। तो कहे कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया कि मैं जिस पर हाथ रख दो वो भस्म हो जाए, तो मैं इसका परीक्षा लेना है। बोले अरे अरे वो तो जो दुख यज्ञ हुआ था ना, उनका सारा तेज खत्म हो गया, बाने का कोई बल नहीं है। हाँ जो दक्ष युग हुआ था ना, दक्ष प्रजापति दक्ष का साथ शिव का जो दक्ष युग, उसमें शिव जी का सारा बल खत्म हो गया, उनका वाणी में कोई बल नहीं है। हाँ तो एक काम करिए आप, ऐसे मनमोहक ऐसे मोहक वाणी बोले प्रभु, क्योंकि ऐसे है तो बड़ा चतुर, हाँ नटखट है, हाँ जो बोलते हैं उनको लग गया। अरे प्रभु कहे कि पहले एक काम करो, अपना हाथ से थोड़ा से देखो धीरे धीरे से आँच आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं, अगर आ जाए तो पता मुझे बताना। हाँ बोले कुछ नहीं, बोले तो अरे टाच करके देखो ना, कुछ नहीं होने वाला है, मैं पक्का जानता हूँ। हाँ एकदम सीधा से, मैं बहुत दिन से जानता हूँ कि उनका कोई, क्योंकि उस दिन से उनका सब खत्म हो गया। तो जैसे स्पर्श किया, स्पर्श करते ही भस्म हो गया। कि तो प्रभु आए इनके पास, भगवान शिव के पास, भगवान शिव से कहे कि जो महत्पुरुष से चरण अपराध करता है उसका ऐसे अपना पाप से मर जाते हो,
जो महापुरुष के चरण में अपराध करता है, जो भगवान के भक्त के चरण में अपराध करता है, उसका ऐसे ही वो उनके पाप से हो जल जाते हैं। तो कहे कि बहुत अच्छा, बहुत प्रणाम की। इसी शिव जी जो है हमेशा अपने प्रभु की वंदना करते हैं, अपने प्रभु का ही सुमिरन करते हैं, हर क्षण प्रभु की याद करते हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, आज से ही व्रत ले लीजिए कि आज मैंने शिव जी के सामने प्रतिदिन शिव जी का एक माला दो माला नाम श्रवण कराएंगे। देखिए आप इसका चमत्कार देखिएगा, आपका नाम में एक विशेष बल मिलेगा, हैं, एक नाम में विशेष बल प्राप्त होगा, क्योंकि नाम निष्ठ महापुरुष है। किसी नाम निष्ठ के सामने बैठ के नाम जप करिए, उनका विशेष एक बल होता है। तो इसलिए आज शिव के चरण में एक ही प्रार्थना, हे प्रभु आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु आज हरिहर क्षेत्र है, हरिहर का मिलन हुआ था, महाप्रभु ही हर के रूप में, हरि और हर, हाँ एक है। और दूसरा नंबर महाप्रभु जब बचपन में गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो वहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ सब शिव जी की माथा में जल ढालते, कुछ फल फूल चढ़ाते, कुछ वस्त्र चढ़ाते। अब प्रभु जाके क्या करते थे, अरे अरे कुछ मत करो, मुझे सब चढ़ाओ, हाँ मुझे सब खान पान दो। अब लड़कियाँ जाती थी किस लिए, कि भगवान शिव की आराधना करें, सुंदर पति प्राप्त करने के लिए। उनका मन में एक ही इच्छा रहती है कि मुझे सुंदर पति प्राप्त हो। तो भगवान शिव जब चैतन्य महाप्रभु जब वो वस्तु उसको नहीं देते तो अभिशाप देते, हाँ चार चार सतीन हो, हाँ चार चार सतीन हो, अब मुझे अगर नहीं देंगे, अगर मुझे देंगे तुम तुझे सुंदर पति प्राप्त हो, महाप्रभु आशीर्वाद देते। महाप्रभु बहुत रस लिया इस लीला का। हाँ जब जब गंगा स्नान में जाते थे रोज इस दृश्य को उन्होंने देखते थे। तो इस प्रकार से वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्न गानम यथा गंगा, वैष्णवानाम यथा शंभु, और चार चीज है, निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो तथा, देवानाम अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, देवानाम पुराणानाम इदम तथा। हाँ पुराण में भागवत श्रेष्ठ ग्रंथ है और वैष्णव में भगवान शंभु का नाम आता है, और गंगा जितनी नदियाँ है, निम्नगामी नदियाँ है, उसमें गंगा प्रधानता है, और अच्युतो तथा देवानाम अच्युतो तथा, देवानाम देवताओं में प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए वैष्णव में श्रेष्ठ है भगवान शिव। एक कथा, एक एकनाथ की कथा है, महाराष्ट्र में एक भक्त हुए, उनका नाम है एकनाथ। एकनाथ एक बार सब लोग हरिद्वार से जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ, बहुत दूर रास्ता, लोग महीना महीना भर पानी लेकर चलते रहते कि भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे। तो जल चढ़ाएंगे तो सब लोग चल रहे थे टोली में, सभी लोग जाते टोली में, हाँ पानी लेकर बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो एक रास्ते में एक गाधा प्यासे थे, प्यास लग रहा, उनके प्यास ही थे। तो गाधा, सब लोग जा रहे कि अरे मैं इतना दूर से पानी लेकर आया, सो गाधा को पानी पिलाएंगे, मैं तो शिव जी को चढ़ाएंगे, हैं। एकनाथ क्या किया, एकनाथ ने वो पानी को शिव गाधा को पिला दिया। एकनाथ ने क्या किया, पानी को गाधा को पिला दिया। गाधा बहुत पानी प्यास के लिए छटपटा रहे थे, बहुत तड़प रहे थे। वो पानी जब पिला दिया तो वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए, और शिव प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया कि जब जब मेरा दर्शन करो, मैंने दर्शन की इच्छा होगी तब मैं वहाँ आपको दर्शन देंगे, दर्शन करने की इच्छा है उस दिन मैं आपको दर्शन देंगे। तो इस प्रकार से कोई जब जीवों पर दया करते तो भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते। तो आज का दिन जैसे जैसे वृंदावन में चार शिव विख्यात है, एक है गोपेश्वर महादेव, दुए कामेश्वर महादेव, तीन भूतेश्वर महादेव, और चार है चकलेश्वर महादेव। ये चार शिव प्रधान है, आशेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव,
चकलेश्वर महादेव, जैसे चार महादेव, एक एक वृंदावन में, एक कामा में, एक गोवर्धन में और एक मथुरा में। हाँ, ये चार महादेव बहुत प्राचीन, ये वज्रनाभ के, वज्रनाभ ने चारों महादेव को बनाए थे और चारों दिशाओं में स्थापना की वज्रनाभ ने। तो एक शिव है, आप लोग कभी जाएंगे नंदगांव में, आशेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव आशा लेकर बैठे हैं कब प्रभु मुझे दर्शन देंगे। अब माँ यशोदा बहुत डरती थी कि इनको मैं दर्शन नहीं कराएंगे, इनको दर्शन नहीं दे, कृष्ण को दर्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत सर्प बिच्छू क्या क्या धारण करते, बच्चा डर जाएगा, बच्चा डर जाएगा, इसको दर्शन नहीं कर। आज जैसे दर्शन नहीं कराएंगे तो बोले कि दर्शन के बिना मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। हाँ, और प्रभु भी रोते रहते उनको दर्शन देने के लिए। जब प्रभु देखते कि अरे रो रहे, क्यों रोना बंद क्यों नहीं हो रहा है, तो कहे कि उनका दर्शन कराओ, तो दर्शन देते ही रोना बंद हो जाते। तो फिर कहे कि प्रसाद चाहिए, तो प्रसाद के लिए वहाँ से थोड़ा दूरी पर उन्होंने एक आश्रम, एक जगह पे बैठे हैं जहाँ आशेश्वर महादेव की स्थली है, वहाँ रोज नंद बाबा प्रसाद भेज देते, जब जब रोएगा तब तब आके दर्शन दिया करे। हाँ, जब जब लाला रोएगा तब तक आके दर्शन दिया करे। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएँ हैं जो भगवान शिव। हाँ, तो आप लोग जो कृष्ण लीला बुक्स है उसका अध्ययन करें, 34 अध्याय। हाँ, उसका डिटेल्स प्रभुपाद जी ने लिखे कि नंद बाबा ने एक बार इच्छा की, एक बार रथ शिवरात्रि मनाने के लिए एक बार मन में इच्छा की और उन्होंने किया। और वो करने का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की महिमा की बढ़ाने के लिए। शिवरात्रि मनाने का उद्देश्य क्या है, शिवरात्रि जापन करने का उद्देश्य एक है वैष्णव का, कृष्ण में मेरा प्रीति हो, कृष्ण में मेरा अधिक अधिक उत्तरोत्तर प्रेम वृद्धि हो, इसीलिए भगवान शिव की उत्सव, भगवान शिव के उत्सव मान। तो एक छोटा सा भजन है, बड़ा सुंदर आचार्य ने लिखे हैं, बड़ा सुंदर भजन। तब इच्छा मते ब्रह्म विष्णु करें सृजन, तब इच्छा मते ब्रह्मा, तब इच्छा मते विष्णु करें पालन, तब इच्छा मते ब्रह्मा करें सृजन, तब इच्छा मते शिव करें संहार, हाँ तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। इसको हम लोग गाएंगे, बड़ा सुंदर भाव है क्योंकि शिव जी का महिमा है। तुमे सर्वे सरे सर ब्रजेन्द्र कुमार, तुमे सर्वे सरे सर ब्रजेन्द्र कुमार, तुमार इच्छाय विशेष सृजन संहार, तुमार इच्छाय सृजन संहार, तब इच्छा मते ब्रह्मा करेन सृजन, तब इच्छा मते ब्रह्मा करेन सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करेन पालन, तब इच्छा मते विष्णु करेन पालन, तब इच्छा मते शिव करेन संहार, तब इच्छा मते शिव करेन संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, तब इच्छा सृजे कारागार, तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण, तब इच्छा मते जीवे समृद्धि निपात दुख सुख संघटन,
समृद्धि निपात दुख सुख संघटन मिछे माया बद्ध जीव आसे पासे फिरे मिछे माया बद्ध जीवे आसे पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते ना पारे तब इच्छा करिते ना पारे तुमि त रक्षक यार पालक यामार तुमि त रक्षक वार पालक यामार तोमार चरण बिना आशा नाही आर तोमार चरण बिना आशा नाही आर निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तोमार इच्छा अच्छी निर्भर करिया इच्छा अच्छी निर्भर करिया भक्ति विनोद ज्योति दिनय किंचन दयति दिनय किंचन तोमार इच्छा तार जीवन मरण तोमार इच्छा तार जीवन मरण तुमे सर्वे सरे सर ब्रजेन्द्र कुमार तुमे सर्वे सर सर ब्रजेन्द्र कुमार तुमार इच्छा विशिर सृजन संहार तुमार इच्छा विशिर सृजन संहार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रणाम मंत्र शिव जी का अब सब लोग उच्चारण करिए। शिव जी के प्रणाम मंत्र है वृंदावनीपते जय सोम सोम मौले
सनक सनंदन सनातन नारदेय गोपी सर ब्रज विलासी जुगंघ्रि पद में प्रेम प्रजच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। जय शंकर भगवान की, जय गोपीश्वर महादेव की, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमः शिवाय।